दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के ऑक्शन में वो 10 बड़े दिग्गज कौन से हैं, 10 बड़े प्लेयर्स कौन से जो सबसे महंगे बिकने वाले हैं। वो इसलिए आईपीएल 2020 के ऑक्शन के लिए 900 प्लेयर्स में से मात्र 332 प्लेयर्स की लिस्ट सॉर्ट आउट हुई है और अब बीसीसीआई ने मार्की प्लेयर्स की लिस्ट रिलीज कर दी है, यानी सबसे महंगा सबसे पहले कौन से प्लेयर बिकने वाले हैं इनकी लिस्ट यहां पर रिलीज कर दी गई है। मार्की प्लेयर्स में कुछ बड़े दिग्गजों का नाम आया है जैसे जॉन मॉर्गन, क्रिस लिन, एरॉन फिंच, जेसन रॉय, जिमी नीसम, तो वही इंडियन में मात्र एक ही प्लेयर का नाम आया है जो है रॉबिन उथप्पा। किस प्राइस पर बिकने वाले हैं, किस टीम के लिए बिक सकते हैं, ये सभी बातें हम आपसे करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप इसको बीच में स्किप करते हैं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो फटाफट अगर आप भी मेरी तरह आईपीएल 2020 के ऑक्शन को लेकर काफी एक्साइटेड है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ऑक्शन के दौरान सभी लाइव अपडेट, सभी टीम की सभी लेटेस्ट वीडियो, सभी स्क्वाड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं वो 10 बड़े दिग्गज कौन से हैं। नंबर 10 पर नाम आता है सैम विलिंग्स का। सैम विलिंग्स को रिलीज किया किसने, चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ये रिलीज किए गए हैं। 3 साल से चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा है लेकिन इन्हें मैचेस नहीं खिलाए गए हैं। मैचेस क्यों नहीं खिलाए गए हैं, क्योंकि इनकी एज अ ओवरसीज प्लेयर प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है, लेकिन किसी और टीम में जरूर से इनकी जगह बनती है। अच्छे फॉर्म में है तो 2 से 3 करोड़ में किसी और टीम के लिए जा सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स 11 पंजाब, बहुत टीम है इनको लेने के लिए, तो ये इजीली बिकने वाले हैं। बात की जाए नंबर 9 के प्लेयर की तो नंबर 9 पर आते हैं हेनरिक क्लासेन। आईपीएल 2019 में आरसीबी की टीम ने इन पर दाव लगाया लेकिन मैचेस इन्हें नहीं खिलाए गए। क्यों नहीं खिलाए गए, सेम सिचुएशन, ओवरसीज प्लेयर है तो कहीं ना कहीं 4 ओवरसीज प्लेयर के चलते ये भी नहीं खेल पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिग बैश लीग इन्होंने खेली है 2018-2019, इसके बाद टी10 लीग खेली है, कनाडा टी10 लीग खेली है, तो कहीं ना कहीं सभी लीग्स में अच्छा परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं। तो ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। हेनरिक क्लासेन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन किसी भी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और 2 से 3 करोड़ में ये भी इजीली बिकने वाले हैं। नंबर 8 के प्लेयर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्लेयर इस समय जो सबसे चर्चा में है, नाम आता है टॉम बेंटन का। इंग्लैंड का ये ओपनर बैट्समैन सभी लीग में अच्छे परफॉर्म ये करके दिखा रहे हैं, चाहे वो बात की जाए इंग्लैंड की डोमेस्टिक टी20 लीग्स की, चाहे वो बात की जाए टी10 लीग की, मजेंसी प्रीमियर लीग की, सभी लीग में अच्छे परफॉर्मेंस देकर दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल टॉम बेंटन इस बार जरूर से बिकने वाले हैं और एज अ ओपनर बैट्समैन, यंग बैट्समैन किसी भी टीम के लिए जाने वाले हैं। 3 से 4 करोड़ में किसी भी टीम के लिए जा सकते हैं क्योंकि इनका बेस प्राइस भी कम रहने वाला है, कंपटीशन कम है, तो टॉम बेंटन यहां पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं और इजीली बिकने वाले हैं। बात की जाए नंबर 7 के प्लेयर की तो नंबर 7 पर नाम आता है मार्कस स्टोइनिस का। मार्कस स्टोइनिस वो इसलिए क्योंकि एक अच्छे ऑलराउंडर है। आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। 2019 में किंग्स 11 पंजाब से ट्रेड हुए थे आरसीबी की टीम में, परफॉर्मेंस इनकी अच्छी नहीं रही, लेकिन बिग बैश लीग में एज अ ओपनर खेलते हैं, 40-50 रन हर मैच में बनाते हैं, 2 से 3 विकेट्स लेते हैं, 4 ओवर ही अपने पूरे डालते हैं स्पेल के, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे प्लेयर है, तो ये जरूर से बिकने वाले हैं। और ये देखना दिलचस्प होगा किस टीम के लिए जा सकते हैं क्योंकि बाकी सभी टीम के लिए ऑलराउंडर्स की जरूरत है। तो नंबर 6 पर नाम आता है क्रिस मॉरिस का। क्रिस मॉरिस को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रिलीज किया, वही कहानी थी, 4 ओवरसीज प्लेयर, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम इन्हें रिटेन कर सकती है ऑप्शन के दौरान आईटीएम कार्ड का उपयोग करके, वो इसलिए क्योंकि एक अच्छे प्लेयर है। बात की जाए बॉलिंग की तो सबसे पहले बॉल करते हैं, न्यू बॉल के साथ बॉल करते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं और हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। 4 से 5 करोड़ इनको देना आसान बात होगी और ये 4 से 5 करोड़ रुपए डिजर्व करते हैं। नंबर 5 के प्लेयर की बात करते हैं तो नंबर 5 पर नाम आता है एरॉन फिंच का। बैटिंग अच्छी करते हैं, एज अ ओपनर खेलते हैं, डिस्ट्रक्टिव ओपनर है, एक्सपीरियंस इनको अच्छा है, आईपीएल का एक्सपीरियंस है, टी20 लीग्स का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, एज अ बैट्समैन तो ये बिकने वाले हैं। इनके साथ एक और अच्छी बात है, वो है ये कैप्टेंसी। वर्ल्ड कप 2019 में जिस प्रकार से अग्रेसिव कैप्टेंसी की है, ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल्स तक लेकर गए, ये डिजर्व करते हैं और आईपीएल 2019 में जरूर से नहीं बिके थे, अनसोल्ड रहे थे, लेकिन इस बार ये बिकने वाले हैं, बड़ी रकम में ये बिकने वाले हैं। नंबर 4 पर नाम आता है एवेन लुइस का। हाल फिलहाल टी20 मैचेस में ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है, भारत के खिलाफ लगातार मैचेस जिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे बैट्समैन है एवेन लुइस, फॉर्म में वापस आ चुके हैं, मुंबई इंडियंस के लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं ये और इस बार मुंबई इंडियंस की टीम ने रिलीज कर दिया। लेकिन किसी और टीम के लिए, चाहे बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब, किसी भी टीम के लिए जा सकते हैं। बात की जाए टॉप 3 बैट्समैन की तो नंबर 3 पर नाम आता है इयॉन मॉर्गन का। इयॉन मॉर्गन वर्ल्ड कप के विजेता रही इंग्लैंड की टीम, जिस
प्रकार से इन्होंने कैप्टेंसी की है, टी20 लीग्स में कैप्टेंसी अच्छी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है इनको आईपीएल का, साथ ही साथ हाल फिलहाल इनका फॉर्म अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये जाने वाले हैं, बिकने वाले हैं फॉर श्योर। बैटिंग अच्छी इनकी चल रही है, कैप्टेंसी आपकी टीम को देने वाले हैं, तो ये जरूर से बिकने वाले हैं। नंबर दो के प्लेयर की बात करते हैं तो नंबर दो पर नाम आता है जेसन रॉय का। जेसन रॉय जिस प्रकार से इन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है, इंग्लैंड की टीम चैंपियन बनी, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जेसन रॉय का दबदबा इस समय बना हुआ है, इस बार ये जरूर से बिकने वाले हैं। लास्ट ईयर ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम में थे, इसके बाद ये रिलीज किए गए और अब ये ऑक्शन में फिर से आ चुके हैं, तो जेसन रॉय एक अच्छे प्लेयर है, 4 से 5 करोड़ इनको मिलने वाले हैं। बात कीजिए नंबर एक के प्लेयर की तो नंबर एक पर नाम आता है क्रिस लिन का। जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इन्हें ड्रॉप किया, लगातार कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की आलोचनाएं की गई, क्रिस लिन जैसे बड़े प्लेयर को ये रिलीज कैसे कर सकते हैं, जिसके बाद टी10 लीग में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 70 का एवरेज है, टी10 लीग जैसी मैचेस में आप 70 का एवरेज बनाकर रख रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, आईपीएल लगातार अच्छा खेल रहे हैं, तो ये सबसे बड़े प्राइस में मेरे हिसाब से बिकने वाले हैं ऑक्शन के दौरान। आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर सबसे महंगा बिकने वाला है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आईपीएल ऑक्शन के दौरान सभी लाइव अपडेट्स स्क्वाड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।